इनिशियली मैंने ये चावली बाजार से चार साइजेस लिए थे क्योंकि मुझे चार ही साइजेस मिले थे, अदरवाइज अगर आपको छः साइजेस मिले तो वो लेना ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं प्लास्टिक वायर की जगह ये नायलॉन थ्रेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए ताकि बॉडी पर अच्छे से बैठ जाए और खड़ा ना रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक नेकलेस बनाया है ताकि मैं देख सकूँ कि ये सही बैठ रहा है कि नहीं और अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहले आपको लेना है 1.5 मीटर के आसपास थ्रेड और उसमें हम ऐसे नीडल्स बनाएंगे, तो आपको थोड़ा सा बर्न करना है और स्ट्रेच करोगे तो पॉइंटेड नीडल टाइप्स इसका ओपनिंग बन जाएगा। ये मुझे दोनों साइड पर बनाना है, यानी दोनों एंड्स पे। केयरफुली करना, अपना हाथ मत जला देना प्लीज़। नीडल्स बनाने के बाद सबसे पहले हम इसमें चार सबसे छोटे बीड्स डालेंगे। जो मेरे पास छोटा बीड था वो ये 6 mm का है आई गेस, ये मैंने चार बीड्स डाले हैं और एकदम सेंटर में आप इसको प्लेस करेंगे। सेंटर में करने के बाद एक एंड को आप पकड़ेंगे और उसको टॉप वाले बीड से, यानी जो भी एंड में बीड होगा उस लाइन में, उसको आप दूसरे एंड से अंदर डालेंगे, लाइक इस तरह से पकड़ के। जो भी दूसरा एंड होगा, जैसे मैंने ये थ्रेड पकड़ा है तो इसका जो दूसरा एंड है वो मैं इसको फर्स्ट बीड में इस तरह से अंदर डाल दूंगी, और जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे खींचेंगे तो ये इस तरह से एक यूनिट बन जाएगा चार बीड्स का। अब मैंने चार बीड्स ऐड करे हैं, बट अब मैं जितने भी बीड्स ऐड करूँगी वो तीन बीड्स ऐड करूँगी। तीन बीड्स ऐड करती रहूँगी मैं। अब मैं इसकी लेंथ जो है, जो ये रो मेरी बन जाएगी उसकी लेंथ मेरे नेक के मेजरमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो जो मेरा नेक का मेजरमेंट है वो मैंने 13.5 और 14 इंचेस इस तरह से लिया है। आप अपने नेक का मेजरमेंट करें और जो भी मेजरमेंट आएगा उतना ही लंबा आपको ये रो लाइन बनानी है। वो रो बनने के बाद जो भी एंड होगा इसको आप जलाकर दोनों साइड पे चिपका सकते हैं। मैं एकदम एंड में करूँगी, बट आप अगर अभी करना चाहें अभी कर सकते हैं। इसी तरह से अब हमें सेकंड रो बनानी है, तो सेकंड रो के लिए मैं 2 मीटर थ्रेड लूँगी और मैंने बीट का साइज़ भी बढ़ा दिया है। आप चाहें तो एक दो लाइन इसकी और बना सकते हैं छोटे बीट की और फिर बड़ा बीट ले सकते हैं। बेसिकली हमें छोटे बीट से बड़े बीट में जाना है। तो हम दूसरे रो बनाने के लिए, हम जो फर्स्ट रो हमने बनाई थी उसमें जो फर्स्ट बीड है उसमें हम एक एंड पुट करेंगे और एकदम सेंटर में ले आएंगे। सेंटर में लाने के बाद एक बीड तो हमारे पास है ऑलरेडी थ्रेड में, तो अब हम तीन बीड्स ऐड करेंगे। तीन बीड्स ऐड करने के बाद उसी तरह से जो दूसरा एंड है थ्रेड का उसको मैं फर्स्ट बीड के दूसरी ओर से अंदर डालूंगी और टाइट कर दूंगी, जिससे वो एक यूनिट बन जाएगा। हमने डाले तीन बीड्स हैं बट हमारा चार
बीज का यूनिट बनता है। तो एक बीज जो छोटा बीज है वो ऊपर रो से आ रहा है, अभी आपको दिखेगा। अब इसी तरह से पहले तो मैंने 3 बीज ऐड करे थे, अब मैं आगे 2 बीज ऐड करूंगी क्योंकि 2 ऑलरेडी मेरे पास हैं, तो दोनों बड़े बीज होंगे। 2 बीज ऐड करते रहूंगी, बट उससे पहले एक रो का जो टॉप वाली रो है उसका एक बीज मुझे थ्रेड में डालना है, वो मैंने डाल लिया है। अब मैं 2 बीज ऐड करूंगी। दो बीज ऐड करने के बाद अगेन दूसरा एंड जो है मैं बीज की दूसरी ओर से डालूंगी और इसको एक और यूनिट बना दूंगी। इसी तरह से मैं कंटिन्यू करती रहूंगी पूरी रो खत्म होने तक। देखिए इस तरह से बन गए। मैंने तीसरी रो भी ऐड करी थी बट मैंने गलती कर दी, मुझे पहले बीज से अंदर डालना था थ्रेड, मैंने दूसरे बीज से डाला है, तो मुझे इसको करेक्ट करना पड़ेगा। मैं बाद में इसको करेक्ट करूँगी, बट आप पहले बीज से ही थ्रेड अंदर डालना। इतना बन गया है और इसकी शेप कुछ इस तरह से आई है, अच्छा लग रहा है फिलहाल तो। बट आप देख सकते हो ना कि ऐसे ये टेढ़ा बन रहा है, सीधा होना चाहिए, तो मैंने एक बीज जो है मिस कर दिया, उसको मैं करेक्ट करूँगी। मैंने और बीज ऐड करे हैं और रोज ऐड करी हैं, तो इसका साइज बढ़ता जा रहा है। अब मैं और बड़ा बीज ऐड करने वाली हूँ, ये 10 mm का है आई गेस, तो मैं उसी तरह से इन बीज को भी ऐड करती रहूँगी, तो वो एक और रो बन जाएगी। Feeling it too. Will you?
सारी रोज़ बनने के बाद, जो कि मेरे शोल्डर के इक्वल है, यानी कि 6 inches है अप्रॉक्सीमेटली, उसके बाद मैं इसमें फास्टनिंग ऐड करूँगी ताकि मैं पीछे इसको टाई कर सकूँ। उसके लिए मैं इसका ये जो लूप है वो ऐड कर रही हूँ और चेन के साथ ऐड कर रही हूँ। बट फिलहाल मुझे इसकी शेप कुछ अटपटी सी लग रही है, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो हम देखेंगे कि वो गड़बड़ क्या है। आप देखेंगे कि पहनने के बाद ये ठीक से बैठ नहीं रहा है और नेक के पास ये वाले एरिया में थोड़ा सा झोल आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। और जो मुझे लगता है क्योंकि बीट्स का साइज़ मैंने सिर्फ 4 ही बीट्स लिए हैं और छोटे बीट्स मुझे ऐड करने चाहिए ताकि ये मतलब छोटे से बड़े में ना ट्रांजिशन अच्छा होना चाहिए, तभी वो ढंग से बैठ पाएगा। तो मुझे लगता है कि 4 साइज़ के बीट कम पड़ गए हैं, तो एटलीस्ट 2 साइज़ के बीट और होने चाहिए, जो कि मैं ऊपर ऐड करूँगी और उससे वो शेप राउंड में हो जाएगी और वो अच्छे से बॉडी पे बैठ पाएगी। तो मुझे इसको खोलना पड़ेगा। 2 बीट्स मतलब 2 साइज़ और ऐड करने के लिए मैंने ये अमेज़ॉन से ये पैक मंगवाया है जिसमें मल्टी साइज़ बीट्स हैं, 8 साइज़ हैं, बट मुझे इसमें से 4 ऑलरेडी मेरे पास हैं, जिसमें से 2 नहीं थे छोटे वाले, तो ये मैं टॉप में ऐड करूँगी, नेकलेस के टॉप में ऐड करूँगी। तो उसके लिए मैं पहले फास्टनिंग खोल रही हूँ। जहाँ पे गड़बड़ थी, जहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, मैं वो एरिया खोल रही हूँ, बीट्स कम करूँगी और बीट्स ऊपर से ऐड करूँगी। तो ये मैंने बीच का खोल दिया। थ्रेड इस तरह से लेने में मुझे ये बेनिफिट भी लगता है कि आप कोई भी रो कभी भी बीच में खोल सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं। मुझे प्लास्टिक वाला यूज़ करने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए मैंने ये थ्रेड यूज़ किया था। मैंने इसको ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद मैंने इसके एक रो निकाल भी दिए। अब आप देख सकते हैं कि इसकी शेप कुछ इस तरह से आनी चाहिए राउंड में। तो मैं अब इसके टॉप में, यानी नीचे बड़ा नहीं ऊपर छोटा ऐड कर रही हूँ, तो उसी तरह से ऐड करूँगी जैसे हमने बाकी बीट्स ऐड करे हैं, बट मैं टॉप में ऐड करूँगी। तो टॉप में एक साइज मैं इसका छोटा लूँगी, फिर उससे एक साइज और छोटा लूँगी। अब आप यहाँ देख पाएंगे कि इसकी शेप थोड़ी सी फॉर्म में आ रही है, जिस तरह की शेप एक्चुअल में होनी चाहिए। बट मुझे लगता है कि छोटे बीज ऐड करने के बाद साइज़ जो है नेक का वो भी छोटा हो जाएगा, इसलिए मुझे साइज़ भी इसका बढ़ाना पड़ा। साइज़ बढ़ाने के बाद मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा सा और इसका पैच बनाना पड़ेगा, ये खाली जा रहा है, तो यानी ये इतना राउंड होना चाहिए और ये जो खाली जा रहा है इसको मुझे कवर करना पड़ेगा बाद में। अब मैं दोनों पार्ट्स को जोड़ रही हूँ बीच में, एक एक बीट ऐड करके उसी तरह से मतलब थ्रेड लेकर दोनों साइड में डाल के सिंगल सिंगल बीट मैं बीच में ऐड करती जा रही हूँ। I hope you're
अब ये पूरा मेरा पैच रेडी है, केप रेडी है। साइड से शुरू किया था तो इसलिए बीच में मेरे थ्रेड्स दिख रहे हैं जो कि मैंने बर्न करके चिपकाए हैं, बट इससे ये हुआ कि मेरे जो एंडिंग्स हैं वो एकदम नीट बनी है। और शेप इसकी प्रॉपर राउंड नहीं होगी क्योंकि शोल्डर है, और शोल्डर में अगर प्रॉपर राउंड हुआ फिर से झोल आएगा, एक्स्ट्रा पार्ट दिखेगा, तो ये प्रॉपर राउंड भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए ताकि ये शोल्डर्स पे आराम से बैठ जाए। बट शेप कुछ इस तरह से होनी चाहिए राउंड में, जो कि अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत ही प्रीटी लगा और बहुत ही अच्छे से बॉडी पे मेरे बैठ रहा है, नीट भी बना है साइड से अगर आप देखें तो। मैंने इन टोटल 25 रोज़ बनाई हैं और 6 डिफरेंट साइजेस यूज़ करे हैं पर्ल बीड्स के। मैंने बाद में और साइजेस यूज़ करे थे, पहले 4 यूज़ किए थे जो चावड़ी बाजार से आए थे, और उसके बाद 2 जो है अमेज़ॉन से लिए थे। आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पता रहे मैंने कौन सी रो में कौन से एमएम का बीड यूज़ किया है। कितने बीड यूज़ करने हैं ये आपकी साइज़ पर डिपेंड करता है नेक के। जो मैंने शोल्डर लेंथ ली है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 इंचेस ली है, या फिर आप बोलो 14.5 सेंटीमीटर्स, जो कि मेरे शोल्डर्स की टॉप तक है, मुझे ड्रॉपिंग नहीं चाहिए था, शोल्डर्स के एंड तक चाहिए था। ये बहुत ही अच्छे से शोल्डर्स पे बैठ पा रहा है। अगर मुझे और बीड साइजेस मिलते तो शायद मैं इसको और अच्छे से बना पाती, बट 6 बीड साइजेस मिनिमम आपको चाहिए, और होगा तो ट्रांजिशन स्मूथ होगा और आपको पता नहीं लगेगा, किसी को पता नहीं लगेगा कि किस तरह से ये बना है, बट ये अच्छा लग रहा है। बॉडी पर भी बहुत ही अच्छे से बैठ पा रहा है। मैं इसको बहुत ही जल्दी अच्छे से स्टाइल करूँगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी डेफिनेटली, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।